इंफॉर्मेशन मुझे क्या थी, इंफॉर्मेशन मुझे थी किसके मुतलिक, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच सेमेस्टर, इन सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यही इन्फॉर्मेशन मुझे थी, यही डाटा था। इसी डाटा को मैंने लिया है टू वर्टिकल ब्रैकेट्स, टू वर्टिकल ब्रैकेट्स। जो फर्स्ट यहाँ पे आपको ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से राइट डाउन करोगे, जो आपको वर्टिकली आते हैं, ये वर्टिकली जो वर्टिकली आते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम, जहन में रहने चाहिए। ये है कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स कॉलम्स। और जो ये हॉरिजेंटल जो आपको होते हैं, जो ये हॉरिजेंटल आपको जो ये हॉरिजेंटल होते हैं इस तरह से, जो ये हैं हॉरिजेंटल वाले इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, अच्छी तरह से पहले समझो, बाद में इजी है, और इस तरह से इनको हम बोलते हैं रोज, इनको हम रोज बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होते हैं इनको हम रोज बोलते हैं, जो सीधे होते हैं ऊपर नीचे इनको हम बोलते हैं कॉलम। सो जो ये इंफॉर्मेशन आपको थी, इंफॉर्मेशन आपको थी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच सेमेस्टर, सेमेस्टर थे तीन। इस इंफॉर्मेशन को आपने कैसे डाला, इसको आपने डाला, आपने इस इंफॉर्मेशन को विद इन टू वर्टिकल ब्रैकेट्स, एक तो आपने दो वर्टिकल ब्रैकेट दिए हैं, और इनको आपने रोज और कॉलम्स में अरेंज किया है। रोज आपने तीन डाले हैं, वन टू एंड थ्री हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स आपने टू डाले हैं। ये इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिटन इन रोज एंड कॉलम्स बिटवीन टू वर्टिकल ब्रैकेट्स इज नोन एज मैट्रिक्स, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। सो एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिटन विच कैन बी रिटन इन रोज एंड कॉलम्स बिटवीन टू वर्टिकल ब्रैकेट्स इज नोन एज मैट्रिक्स, सिंपल डेफिनेशन। एनी इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिटन इन रोज एंड columns between two vertical brackets is known as matrix, is known as matrix. So जो ये matrix है वहाँ अब definition में इस तरह से भी कुछ कभी कभी लिख लेते हैं, जो आपको number matrix इस तरह से भी लिखते हैं, matrix is the arrangement of numbers between two vertical brackets. matrix is the arrangement of numbers in rows and columns between two vertical brackets. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कभी कभी इस तरह से भी डेफिनेशन लिख देते हैं, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन इन रोज एंड कॉलम्स बिटवीन टू वर्टिकल ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स हैं, तो मैट्रिक्स आपकी जो ये मैट्रिक्स यूजुअली आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से, और इनके एलिमेंट्स को आप स्मॉल नंबर से डिनोट करते हैं। सो ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स बन गया आपका इस तरह से, मैट्रिक्स बन गया आपका, ये मैट्रिक्स जो है ये बन गया आपका इस तरह से 20, 22, 15, 30, 47, 27, जो ये मैट्रिक्स है। इसके कितने रोज रोज हैं, वन टू एंड थ्री रोज हैं, थ्री पहले रो करते हैं, रो लिखते हैं, यानी इसके रो हैं, ये पहले जो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये रो इंडिकेट करता है, रो कितने हैं, वन टू एंड थ्री, एंड कॉलम कितने हैं वर्टिकली, वन एंड टू, इसको हम लिखते हैं थ्री क्रॉस टू। जो जो आपका जो पहला वाला ये है, ये रो रिप्रेजेंट करता है हमेशा, जो दूसरा वाला है ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। जो ये थ्री क्रॉस टू है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो ये थ्री क्रॉस टू है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो अगर कभी आपको होगा ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 4, तो आपके जहन में होना चाहिए इस मैट्रिक्स में 5 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज जो है वो पहला आपको दिखाता है, नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में 5 है, 5 है, और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड आपको दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट जो आपको है वो नंबर ऑफ रोज आपको दिखाते हैं कितने, सेकंड आपको दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं।